जिस स्थिति में हम लोग हैं दुख की बात है, और ये स्थिति तब बदलेंगे जब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। धूप भी आने को नहीं दे रहा, देखिए पूरा ऐसे गैस मास्क लेके हम लोग सब बैठे हैं। लाइट्स इंक्रीज करिए, ब्यूटी लाइए घर में। एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन तो नहीं है दिवाली। बिल्कुल बहुत गंभीर है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था दिल्ली एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत पॉल्यूशन बढ़ चुका है और ऐसा सोचा नहीं गया था कि इतना पोल्यूशन होगा। इस टाइम जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, दिल्ली में नहीं है ये, लगभग 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर लेंथ के अंदर पंजाब हरियाणा दिल्ली, दिल्ली से भी आगे तक और 200-250 किलोमीटर चौड़ाई में पूरे के अंदर। आप देखिए नासा की इमेज देखिए, धुआं के पूरे बादल नजर आते हैं। आप दिल्ली से 100 किलोमीटर पूरे हरियाणा में घूम लीजिए ना, पूरा हरियाणा में भी यही है और गुड़गांव के अंदर फरीदाबाद के अंदर दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन है। मुझे लगता है ब्लेम गेम की बात नहीं है और ये सबको पता है कि जो फसलें जलाई जा रही हैं वेस्टर्न यूपी में हरियाणा में और पंजाब में, उसकी वजह से जो एकदम से अचानक देखिए पॉल्यूशन के जो कंडीशंस हैं, जो भी कारण है, दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है, दिल्ली में ट्रैफिक उतना ही था, दिल्ली में सब कुछ उतना ही था, कोई चेंज नहीं आया दिल्ली में, चेंज बिल्कुल नहीं आया। परंतु अचानक पॉल्यूशन जो बढ़ा उसका कारण फसलें जलाने की वजह से ही है।